वाराणसी के धर्मकूप पर गुरुवार को सुबह से ही महिलाएं वट सावित्री पूजा अर्चना करती दिखी। वाराणसी के मीरघाट के धर्मकूप स्थित प्राचीन वट सावित्री मंदिर सहित नगर में जगह जगह स्थित वट वृक्ष के पास व्रती महिलाओं की काफ़ी भीड़ हुई। यहां वे पति की लंबी उम्र के लिए बरगद के नीचे पूरे विधि विधान के साथ पूजन अनुष्ठान की। इस दौरान बरगद के पेड़ पर रक्षासूत्र लपेट कर 27-27 फेरे भी लगाए और माँ सावित्री से अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। विद्वानों का कहना है कि वट सावित्री पूजा ज्येष्ठ माह की अमावस्या में मनाई जाती है। 6 जून यानी कि आज व्रत पारायण पूजन हो रहा है। मान्यता है कि देवी सावित्री वट वृक्ष में प्रतिष्ठित रहती हैं। इसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म से मृत पति को दोबारा जिंदा किया था। तभी से पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत और पूजा किया जाने लगा। यह भी कहा जाता है कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। ऐसे में महिलाओं की हर कामना की पूर्ति की होती है। वट सावित्री का व्रत है, ये सुहाग का व्रत है, ये अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए पूजा की है। घर में सुख संपत्ति शांति बढ़ोतरी जो है वट सावित्री पूजा है। ये जो है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ज्येष्ठ पक्ष की अमावस्या को जो है इसको मनाया जाता है। इसको सावित्री जो है अपने यमराज से अपने पति के प्राण लेके आई थी, उसी दिन से वट पूजा का महत्व है। और वट सावित्री यमराज ने सावित्री से मांगा, वरदान मांग लो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तो सावित्री ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दीजिए। तो यमराज ने कहा तथास्तु। तब सावित्री ने कहा, प्रभु जब आपने मेरे पति को ही ले जा रहे हैं तो मुझे 100 पुत्र कहाँ से होंगे। तब यमराज बड़े लाचार हुए और उन्होंने अपने सावित्री के पति के प्राण को लौटा दिया। उसी दिन से यह है वट सावित्री पूजा का महत्व चलाया है।